सभी को वॉइस क्लियर आ रही है और स्क्रीन प्रॉपर्ली विजिबल है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो हमने अभी तक सिंबल और इक्विवेलेंट सर्किट डिस्कस किया, उसमें किसी को कहीं कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। नो सर। अब बात करते हैं इसकी ओपैम की आइडियल प्रॉपर्टीज, मतलब अगर ओपैम आइडियल है तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी। फर्स्ट थिंग, हम कहते हैं यहाँ पे जो ये ए लिखा है ना, गेन। अच्छा एक सेकेंड, इस पे जाने से पहले, प्रॉपर्टीज से पहले एक फीडबैक वाला पॉइंट और क्लियर कर ले ताकि थोड़ा सा डाउट कम हो जाए। अच्छा, फीडबैक के नाम से ये समझ में आता है ना कि मतलब किसी चीज का कुछ रिस्पॉन्स बताया जा रहा है। अच्छा, फीडबैक को समझने के लिए, हाँ, इन जनरल कोई भी एक डिवाइस है, ठीक, इसमें हम कुछ इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका कुछ आउटपुट आ रहा है, ठीक। अब जो इनपुट प्रोवाइड करने वाला है उसके पास इस टाइम पे, वो या इनपुट प्रोवाइड करेगा, डिवाइस आउटपुट दे देगी, ठीक, लेकिन कोई अभी ऐसा तरीका नहीं है जिससे वो इस आउटपुट को कंट्रोल कर सके, ठीक। उसके लिए वो क्या करता है, इस आउटपुट की जो भी इंफॉर्मेशन है कि कितना आउटपुट आया, उसको अगर किसी तरीके से यहां इनपुट टर्मिनल तक वापस भेज सके ताकि खुद देख सके कि हाँ कितना आउटपुट आ रहा है, जो मुझे चाहिए था आउटपुट, क्या वही आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। उसके लिए क्या कर सकते हैं कि यहां पे एक फीडबैक कनेक्ट कर दे, ठीक। इसको और अच्छे समझने के लिए घर के एसी का एग्जांपल देखो। तुमने क्या किया है, एसी को सेट कर दिया है 18 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तुमने इनपुट दिया कि हाँ मेरा एसी जो है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड पे चलना चाहिए, कंप्रेसर ऑन हुआ, धीरे धीरे उसने टेम्परेचर को, जो रूम का टेम्परेचर है उसको डाउन किया, वो डाउन करते करते वो साथ में चेक भी कर रहा है ना कि हाँ रूम का टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ कि नहीं हुआ, और जैसे ही रूम का टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया तुरंत उसने कंप्रेसर को ऑफ कर दिया, कहा ठीक है बस इतने पे ही तुम्हें रूम का टेम्परेचर इतने पे ही मेंटेन रखना है। तो उसने ये कैसे चेक किया कि हाँ भाई रूम का टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ या नहीं हुआ, ठीक। उसके लिए एसी में कोई ना कोई थर्मल सेंसर लगा होगा जो क्या कर रहा होगा, रूम का टेम्परेचर मेजर कर रहा होगा और एसी को यह बता रहा होगा कि अभी 18 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो वो थर्मल सेंसर है वो क्या काम कर रहा है, फीडबैक का काम कर रहा है। फीडबैक का काम क्या है, आउटपुट की इंफॉर्मेशन इनपुट तक पहुंचाना, ठीक। किसी भी सर्किट में अगर आउटपुट को किसी डिवाइस के थ्रू इनपुट से कनेक्ट कर दिया जाए, आउटपुट टर्मिनल को किसी डिवाइस के थ्रू इनपुट टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया जाए, या आउटपुट को किसी वायर के थ्रू इनपुट से कनेक्ट कर दिया जाए, ठीक, तो वो क्या कहलाएगा, एक फीडबैक जा रहा है। और ऐसी डिवाइसेस क्या कहलाएंगी, क्लोज लूप डिवाइसेस। ऐसे स्ट्रक्चर क्या कहलाएंगे, क्लोज लूप डिवाइसेस। और जब तक ये फीडबैक नहीं लगा था इनको क्या बोल रहे थे, ओपन लूप, ठीक। आउटपुट और इनपुट के बीच का लूप जो है वो क्लोज हो गया, पहले ओपन था। ओपन लूप और क्लोज लूप, क्लियर सर? आपकी आवाज लैग हो गई थी। हाँ सर।
अभी हाँ ठीक है सही, वॉइस? आपने वो जो बोला पूरा स्किप हो गया। अच्छा, अभी ठीक है आवाज? यस सर, यस सर, ठीक यस सर। ठीक है। फीडबैक का मीनिंग हमें समझ में आया कि भाई आउटपुट और इनपुट के बीच, आउटपुट को अगर हम इनपुट से किसी तरह से कनेक्ट कर दें, किसी वायर से या किसी डिवाइस को यूज करके, तो वो क्या कहलाएगा? फीडबैक। और इस फीडबैक का काम क्या है? आउटपुट की इंफॉर्मेशन इनपुट तक पहुंचाना। ठीक, तो ऐसे स्ट्रक्चर जहां पे इनपुट और आउटपुट किसी अदर डिवाइस या वायर से कनेक्टेड हो, उनको हम बोलते हैं क्लोज लूप डिवाइसेस। ठीक, और जहां पे इनपुट और आउटपुट एक अलग वायर से कनेक्टेड नहीं है, उन्हें हम कहते हैं ओपन लूप डिवाइसेस। ओपन लूप और क्लोज लूप में डिफरेंस समझ में आया? यस सर, ना यस सर। अब ये जो ऑप एम्प है, इनिशियली V1 V2 का V0 से कोई रिलेशन नहीं है, कोई फीडबैक नहीं है। बेसिकली रिलेशन है बट फीडबैक नहीं है, आउटपुट का इनपुट से कोई फीडबैक नहीं है। हम इनपुट प्रोवाइड कर दे रहे हैं, डिवाइस आउटपुट दे दे रही है, हम ये नहीं चेक कर पा रहे हैं कि आउटपुट आ कैसा रहा, हमने कोई भी फीडबैक नहीं चेक किया, कोई भी फीडबैक यहां नहीं लगा। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर कैसा है? ओपन लूप स्ट्रक्चर है। यस सर, ये स्ट्रक्चर तुम्हारा ओपन लूप स्ट्रक्चर है। दैट इज व्हाई ये जो जिसको ए को अभी तक हम गेन बोल रहे थे, इसको हम मोर स्पेसिफिकली बोलते हैं ओपन लूप का गेन, ओपन लूप गेन। ठीक, ये क्या कहलाता है? ओपन लूप गेन। ये बेसिक ओपैम्प इक्वेशन तब तक काम करेगी जब तक तुम्हारे ओपैम्प में कोई फीडबैक नहीं लगा होगा। जब तक ओपैम्प में कोई फीडबैक नहीं लगा होगा तब तक ये बेसिक ओपैम्प इक्वेशन काम करेगी। जब तक ओपन लूप रहेगा ऑपरेशनल एम्पलीफायर, तब तक बेसिक इक्वेशन काम करेगी। ठीक, नाउ अब आते हैं प्रॉपर्टीज पे। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी कहती है, इसको साथ में लिखते भी रहना, कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो ओपन लूप गेन होता है, इस पॉइंट को याद रखना, ये ओपन लूप गेन की बात कर रहा है, ए इज इनफाइनाइट। ओपन लूप गेन जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। ठीक, दूसरी चीज कहता है कि जो इनपुट रेजिस्टेंस था आर आई, वो भी इनफाइनाइट होता है। ठीक, इनपुट रेजिस्टेंस भी इनफाइनाइट होता है। दूसरी चीज, आउटपुट रेजिस्टेंस इसका जीरो होता है। यहां भी हम लोगों ने इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस देखे, तो आइडियली ये इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा, यानी जो वीडी है वो ओपन सर्किट वोल्टेज होगा, और आर नॉट क्या होगा? जीरो आइडियली। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि ऑपएम्प में जीरो ऑफसेट वोल्टेज होगा, जीरो ऑफसेट वोल्टेज होगा। यहां ऑफसेट वोल्टेज का मतलब क्या है? देखो, कोई डिवाइस है, ठीक है, जैसे यहां पे ये ऑप एम्प है, अगर हम इस ऑप एम्प में V1 को भी जीरो कर दें और V2 को भी जीरो कर दें, V1 V2 दोनों को जीरो कर दें, यानी इनपुट वोल्टेज को जीरो कर दें, तब भी अगर आउटपुट वोल्टेज की कुछ वैल्यू आ रही हो इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की वजह से, ठीक, तो उस आउटपुट को हम क्या बोलते हैं? ऑफसेट वोल्टेज। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑफसेट वोल्टेज, कि मतलब हमने तो इनपुट वोल्टेज जीरो कर दिया था लेकिन उसके बाद भी आउटपुट आ रहा है। ठीक, तो यहां पे जीरो ऑफसेट वोल्टेज का मीनिंग क्या है?
कि भाई अगर दोनों इनपुट तुमने जीरो कर दिए तो आउटपुट जीरो आएगा. इफ बोथ वी वन एंड वी टू आर जीरो देन आउटपुट विल बी जीरो. देन आउटपुट विल बी जीरो. ठीक. नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि इनकी जो बैंडविड्थ है वो इनफाइनाइट होगी. इनकी जो बैंडविड्थ है वो इनफाइनाइट होगी. अब इसका क्या मतलब है? देखो, ऑपरेशनल एम्पलीफायर में ये जो V1 और V2 हमने लिखे, हमने ऐसा तो कुछ कहा नहीं कि ये V1 जो है वो डीसी करंट है या एसी करंट है. ठीक. ऑपएम्प जो होता है वो एसी और डीसी दोनों के लिए काम कर सकता है. तुम इसको एसी वोल्टेज अप्लाई करो तो उसका भी एम्पलीफिकेशन करेगा, तुम डीसी वोल्टेज अप्लाई करो तो उसका भी एम्पलीफिकेशन करेगा. ठीक. अब एसी वोल्टेज का कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, एसी वोल्टेज की कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी. यस सर. ठीक. और हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल्स होंगे. ठीक. तो यहाँ इनफाइनाइट बैंडविड्थ का मीनिंग ये है कि भाई ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है ये फ्रीक्वेंसी के रेफरेंस में भेदभाव नहीं करेगा. इसकी बैंडविड्थ इनफाइनाइट है, मतलब किसी भी फ्रीक्वेंसी का सिग्नल ले आओ वो सबको एम्पलीफाई करेगा आइडियली. आइडियली इसकी बैंडविड्थ इनफाइनाइट है का मतलब क्या है? किसी भी फ्रीक्वेंसी का सिग्नल हो वो सबको एम्पलीफाइड करेगा. तो मीनिंग इनफाइनाइट बैंडविड्थ होने से फायदा क्या हुआ? इट कैन एम्पलीफाई एनी फ्रीक्वेंसी सिग्नल फ्रॉम जीरो टू इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी. जीरो से इनफाइनाइट किसी भी फ्रीक्वेंसी का सिग्नल ले आओ वो सबको एम्पलीफाई कर देगा. ठीक. नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है सर? हाँ सर, एक बार फिर से वो स्लाइड लगा दीजिए. ये हटा दीजिए सर. थैंक यू सर. सर, अगर V2 और V1 पे सर अलग अलग फ्रीक्वेंसीज प्रोवाइड की जाएंगी तो क्या होगा? दोनों पे अलग अलग अगर फ्रीक्वेंसीज प्रोवाइड की जाएंगी तो अच्छा तो क्या होगा सर? क्या हाँ, असर पड़ेगा? हाँ हाँ, देखो बिल्कुल वो उनको भी उनके डिफरेंस को भी एम्पलीफाई करेगा, बट वहां पे फेस शिफ्ट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा. ठीक है. जैसे तुम जब अगर तुमने तुम्हें याद हो जब तुमने एसी एनालिसिस पढ़ी होगी अपने ट्वेल्थ में, ठीक अगर पढ़ी होगी, तो दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स का हम एडिशन सब्सट्रैक्शन या ये चीजें नहीं कर पाते हैं इजिली. ठीक. रीजन देखो, लेट्स से एक सिग्नल है जिसकी फ्रीक्वेंसी है कुछ इतनी, मतलब जीरो से, और दूसरा है जिसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी हाई है, जीरो से 40. ठीक. अब देखो यहां पे जो सिग्नल वन है उसका वेरिएशन स्लो है जबकि सिग्नल टू का वेरिएशन काफी तेज है. तो ऐसे सिग्नल्स को हम अर्थमेटिकली ऐड नहीं कर पाते. ठीक. क्योंकि दोनों का जो फेस शिफ्ट है, दोनों की जो वेरिएशन की स्पीड है वो डिफरेंस डिफरेंट है. ठीक. इन जनरल हम V1 और V2 को डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में अप्लाई नहीं करते. ठीक. अगर अप्लाई करोगे तो वो आउटपुट बिल्कुल देगा ऑप एम्प, लेकिन वो आउटपुट तुम मैथमेटिकली फाइंड नहीं कर सकते हो. ठीक. इजिली नहीं फाइंड कर सकते, दैट डजंट मीन कि फाइंड ही नहीं कर सकते हो. तरीके हैं उसको भी फाइंड करने के, बिल्कुल किया जा सकता है, और वो ऑप एम्प ही उसी उन्हीं चीजों को करके आउटपुट प्रोवाइड करेगा.
ठीक। आउटपुट देखो ऑप एम्प सिंपल क्या कर रहा होगा, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इन दोनों के वोल्टेजेस चेक करेगा और उसका डिफरेंस प्रोवाइड कर देगा, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों का डिफरेंस, दोनों का वोल्टेज चेक करेगा, डिफरेंस प्रोवाइड कर देगा। और इसी काम को अगर कॉन्टिन्यूस कर दे तो एक हमें आउटपुट वेवफॉर्म मिल जाएगी पीरियोडिक, है ना, लेकिन उसको मैथमेटिकली हम परफॉर्म नहीं कर सकते। क्लियर? यस सर। यस सर। अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि इसका कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो इनफाइनाइट होता है, हैज इनफाइनाइट कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। ठीक, इसको अभी के लिए केवल ऐसे ही पढ़ लो। ठीक, अभी हम लोग इस कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जब इसकी और प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे होंगे, तो वहां पे हम पहले CMRR, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में CMRR बोलते हैं। ठीक है, पहले हम CMRR को डिफाइन करेंगे, देन तुम्हें समझ में आएगा कि इनफाइनाइट होने से इसका फायदा क्या है। ठीक, अभी के लिए बस इतना जानो कि एक प्रॉपर्टी है कि भाई इनफाइनाइट CMRR होता है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट ये मान, अच्छा नेक्स्ट ये मान के चलो दूसरी प्रॉपर्टी है कि इनके, इनका जो स्ल्यू रेट होता है वो इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट स्ल्यू रेट। ये दोनों ही पॉइंट, स्ल्यू रेट क्या होता है और CMRR क्या होता है, ये हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, तो तुम्हें समझ में आएगा कि इनके इनफाइनाइट होने से फायदा क्या है। ठीक है, अभी के लिए हमें ये दोनों पॉइंट बस सिंपली लिख लेने हैं कि इनफाइनाइट CMRR होता है आइडियली और इनफाइनाइट स्ल्यू रेट होता है। क्लियर? अच्छा, सभी लोग अभी अपनी चैट बॉक्स पे अपनी अटेंडेंस मार्क कर देंगे। देखो जो मार्क, जो पहले से मार्क कर चुके हैं हम उनको बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। 12:02 के बाद जितनी अटेंडेंस मार्क होंगी हम उन्हीं को कंसीडर करेंगे। सर फिर से भेज दें? हाँ हाँ बेटा, फिर से भेज दें। हाँ okay, अभी तक जो डिस्कशन हुआ उसमें किसी को कहीं कोई डाउट? सर ऑफसेट वोल्टेज एक बार दोबारा बता दीजिए। अच्छा, हमने कहा कि ऑफसेट वोल्टेज का मीनिंग ये है कि अगर ये सोचो कि तुमने इनपुट वोल्टेज V1 को जीरो अप्लाई किया, इनपुट वोल्टेज V2 को भी जीरो अप्लाई किया, फिर भी आउटपुट में कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है। इन जनरल होना ये चाहिए कि V1 और V2 अगर दोनों जीरो हो गए तो V0 भी जीरो होना चाहिए। ठीक, बट फिर भी कुछ ना कुछ आउटपुट आ रहा है, तो हम कहते हैं कि ये जो आउटपुट आ रहा है ना, ये ऑफसेट वोल्टेज है। ठीक, जीरो इनपुट अप्लाई करने के बाद भी एक कुछ ना कुछ आउटपुट आ रहा है, मीनिंग ये इस ऑप एम्प की कहीं ना कहीं कुछ गलती हो रही है, कहीं ना कहीं सर्किट में कुछ फ्लॉस है या आइडियलिटी वो प्रॉपर फॉलो नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे आउटपुट आ रहा है, आना नहीं चाहिए। राइट, तो उन फ्लॉस की वजह से यहाँ पे अगर कुछ आउटपुट आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं ऑफसेट वोल्टेज। ठीक है, जीरो इनपुट पर भी अगर कुछ आउटपुट मिल रहा है ड्यू टू यहाँ पे इसके कुछ सर्किटरी में प्रॉब्लम है, या जो जो डिजाइन किया है जिसने भी आईसी को, उस डिजाइनिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उसकी वजह से अगर आउटपुट कुछ आ रहा है, ठीक है, उसको हम ऑफसेट वोल्टेज बोलते हैं। और आइडियली हम कहते हैं कि ऑफसेट वोल्टेज इनफाइनाइट होता है, सॉरी आइडियली हम कहते हैं ऑफसेट वोल्टेज जीरो होता है, मीनिंग कोई भी फ्लॉज आइडियली हम एक्सेप्ट नहीं करते, आइडियली हम मान के चलते हैं कोई भी फ्लॉज नहीं, हमारी आईसी एकदम प्रॉपर काम कर रही है और बेसिक ऑप एम्प इक्वेशन को प्रॉपरली फॉलो कर रही है। ठीक है, और किसी को कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है,
तो अभी क्लास एंड करते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।